हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दैट फॉर अ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू, लाइट इंसिडेंट एट एनी एंगल शैल बी गाइडेड अलोंग अ लेंथ परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट फेस। तो क्वेश्चन कहता है कि जो मटेरियल है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन रूट टू है और जो लाइट इस पर गिरेगी इट इज गाइडेड अलोंग अ लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट फेस। सो इंसिडेंट लाइट इज गाइडेड अलोंग अ length which is perpendicular to the incident face. So for that, let us make a diagram. So the key concept that will be used in solving this question are, यहाँ पर देखिए हमें concept जो use होंगे वो हमें होंगे यहाँ पर we will use Snell's law. We will use Snell's law. Snell's law का हम यहाँ पर use करेंगे, ठीक है। Snell's law के अलावा हमें यहाँ पर total internal reflection का concept भी apply करना पड़ेगा, total internal reflection का, ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर अप्लाई होंगे। दीज आर द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें सो अ रे ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज आई, ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द फेस ए बी, ए बी फेस पर ये लाइट गिर रही है। तो ये हमारा ए बी फेस है और इस पे इसके बाद ये लाइट जाती है एंड इट गोज अलॉन्ग द लेंथ पी क्यू, ये पी क्यू जो लेंथ है इसके अलॉन्ग जाती है। सो इट गोज अलॉन्ग दिस लेंथ पी क्यू, इस तरह से जाती है एंड आफ्टर दैट इसके बाद ही जाती है फेस ए सी पर, ए डी पर टकराती है और उसके बाद यहां से जाती है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट फेस के परपेंडिकुलरली ये यहां पर जाती है, दिस इज अवर फेस और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये फेस में जाती है, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर फेस एज कंपेयर टू दिस फेस, ठीक है। तो ये यहां पर जाती है और यहां पर जो हमारी ये एंगल्स हैं ये फाई है, ये एंगल आर है एंड दिस इज अवर 90 डिग्री। So we can say that let a ray incident on face AC, on face AB, sorry this is face AB and the angle is at angle I, okay, the angle is I over here and after refraction, after refraction yahan par kya hoga, so after refraction it travels along, it travels along PQ, ये PQ के अलोंग जाती है एंड व्हाट हैपेंस एंड देन उसके बाद ये इंटरसेक्ट करती है एंड देन इंटरसेक्ट फेस और वी कैन से देन इंटरैक्ट विद फेस एसी। इंटरसेक्ट नहीं मतलब नहीं करती, एक्चुअली ये इंटरैक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब काट देना। सो इट एक्चुअली इंटरैक्ट विद दिस फेस एडी, ये हमारा फेस कौन सा है, दिस इज फेस एडी, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट फेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द फेस एडी। और अगर आप देखें तो जो एडी फेस है और एबी फेस है ये दोनों फेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर फेस हैं टू द इंसिडेंट फेस, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज एबी फेस, ठीक है, ये हमारा एबी इस तरह से है और एडी इस तरह से, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है यहां पर, ओके। नाउ वी कैन से दैट जो हमारी ये जो रे है जो एडी के अलोंग जा रही है, सो जो एंगल फाई होगा, दिस एंगल फाई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो वी कैन से दैट एनी रे इज गाइडेड अलोंग एसी इफ द एंगल रे मेक्स विद फेस AC that is phi is greater than critical angle and this concept जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है यहां पर। नाउ अब यहां पर क्या होगा, जो अगर आप देखें इस फिगर से, तो फिगर से अगर आप देखें तो phi प्लस आर क्या होगा, सो वी कैन से फ्रॉम फिगर फाई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है एंड देयरफॉर वी कैन से दैट साइन फाई इज इक्वल टू कॉस आर, जो साइन फाई होगा ये कॉस आर के यहां पर बराबर होगा बिकॉज फाई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हमारा फाई जो है, इफ फाई इज क्रिटिकल एंगल,
फाई तो हमारा क्रिटिकल एंगल है यहां पर, सो वी कैन से दैट इफ फाई इज क्रिटिकल एंगल ओके ओवर हियर, तो क्या होगा अगर फाई क्रिटिकल एंगल है, सो इट मीन्स दैट साइन फाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन म्यू, ठीक है। और अभी आपने देखा कि फाई प्लस आर इज इक्वल टू क्या था, अगर आप देखें फाई प्लस आर इज इक्वल टू क्या था, 90 था ओके, सो फाई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट दैट साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन म्यू, और साइन 90 माइनस आर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आर हो जाएगा कॉस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन म्यू, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन से दैट दैट साइन स्क्वायर आर इज लेस देन इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर आर, दैट इज दैट मीन्स वन माइनस वन अपॉन म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई दैट साइन स्क्वायर आर इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस म्यू स्क्वायर, और आप जानते हैं दैट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, वी नो दैट, सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी विल यूज स्नेल्स लॉ, सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, यहां पर वन होगा, सो वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, दैट मीन्स देखिए वी कैन राइट दिस एज, अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा दैट मीन्स साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर आर, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज that sin square r is equal to from here sin square r is equal to 1 by mu square or sin square i, ठीक है। so this is for the sin square r, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अपनी इक्वेशन में, यहां पर रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू को, so it becomes 1 by mu square and sin square i is less than equal to 1 minus 1 upon mu square, right। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट अगर आप इस म्यू स्क्वायर को उधर भेज दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, सो इट बिकम्स साइन स्क्वायर आई इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस वन, और ये म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कट गया, राइट। नाउ दिस इज द वैल्यू दैट साइन स्क्वायर आई इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस वन। अब अगर आप देखें तो अगर हमारा यहां पर जो आई होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, सो व्हेन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमें सबसे छोटी मिल जाएगी, देन वी हैव स्मॉलेस्ट, और क्रिटिकल एंगल क्या है फाइ, ठीक है ओके। इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन ऑल अदर एंगल्स विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, इफ इट इज ग्रेटर देन, इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स, सो वॉट हैपेंस अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू हो जाए, सो वॉट हैपेंस देन ऑल द अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन ऑल द अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस shall be more than critical angle, more than critical angle, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, we can say that critical angle, okay। So हम यहां पर रखेंगे sin square i, यानी कि sin square 90 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin square 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू होती है एक, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर वैल्यू रखेंगे sin 90, तो ये हो जाएगा एक, तो मैं उत्तर देता हूं एक, वन इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस वन, और वी कैन से दैट म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट टू, सो दिस इज द प्रूफ, हेंस इट इज प्रूव्ड, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।